डिलिमिटेशन को लेकर एक बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है और एक बड़ी जो खबर है वो आ रही है। जिस तरह दिल्ली के बीच में आज का दिन काफी क्रूशियल था और इसी क्रूशियल दिन को देखते हुए जो जम्मू और कश्मीर के एमपीज हैं, यानी कि दो जो कि जम्मू के एमपीज हैं और उसके साथ साथ कश्मीर से तीन मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो इस क्रूशियल मीटिंग का हिस्सा बने हैं। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि जिसमें 6 एडिशनल जो सीट्स हैं वो जम्मू रीजन को दी गई हैं, उसके साथ साथ एक कश्मीर वैली को दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 90 जो सीट्स थी उसके ऊपर रीड्राइंग करनी थी। डिलिमिटेशन का पैनल यहां पर आया था, डिलिमिटेशन कमीशन जो था उसकी पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो था वो चल रहा था। और उसी बीच अब अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू को जो टोटल जम्मू की सीट्स हैं वो 43 हैं, जो कि 6 एडिशनल की है और बढ़कर वो 43 हुई हैं। और उसके साथ साथ कश्मीर वैली की 47 है। जिस तरह मैंने 90 आपको कहा, 90 सीट्स के ऊपर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो ये सीट्स थी और इसके ऊपर जो एक रीड्राइंग करनी थी उसको लेकर ये जो बढ़ावा है सीट्स के बीच में, ये कुछ नंबर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जम्मू रीजन को 6 प्रपोज किए गए हैं और उसके साथ साथ कश्मीर वैली को 1 सीट जो है वो प्रपोज की गई है। इसी के साथ साथ जो टोटल इसमें अगर हम आपको बताएं कि ये जो फेरबदल किया है या ये जो सीट्स इंक्रीज की हैं, इसके बीच में 9 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स को प्रपोज की गई हैं और उसके साथ साथ जो 7 सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट SC सीट्स को जो है वो प्रपोज किया गया है। और एसोसिएट मेंबर्स जो हैं उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो जो अपनी सजेशन हैं, जो लोग हैं उनकी जो सजेशन हैं वो 31 दिसंबर तक सबमिट करें। तो डिलिमिटेशन को लेकर आज एक क्रूशियल मीटिंग थी दिल्ली में, और जिसमें हम आपको बता दें कि उस मीटिंग में जो डिलिमिटेशन पैनल है उस मीटिंग के बीच में जम्मू के जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सेगमेंट के इलेक्टेड एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, वो वहां पर थे। उसके साथ साथ MOS डॉक्टर जतिंदर सिंह वो वहां पर थे, हुसैन मसूदी वो वहां पर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। और उसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद अकबर लोन। और इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कोई एक्शन इसके ऊपर हो, क्योंकि काफी देर से ये बातें की जा रही थी कि अब इसके ऊपर कोई हलचल होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो रिपोर्ट है जो डिलिमिटेशन पैनल यहां पर आया था उसके ऊपर काफी एक लंबा गैप पड़ गया था। और ये भी कहा जा रहा था कि मार्च तक के लिए जो एक डेडलाइन है वो होनी चाहिए, इस तरह कहा भी जा रहा था कि मार्च के लिए डेडलाइन जो है वो दी गई है। और इलेक्शंस को लेकर भी कई सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि जो 6 सीट्स हैं वो जम्मू रीजन की जो असेंबली सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं और कश्मीर की जो असेंबली सीट्स हैं उसमें 1 सीट को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो 43 सीट्स जम्मू की हैं और उसके साथ साथ 47 कश्मीर की हैं। जम्मू परिवर्तन की यह कोशिश होती है कि आप तक हर खबर पहुंचाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अग्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।